España जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जदयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे ने सोमवार को जेल से आकर नामांकन दाखिल किया। कड़ी सुरक्षा के बीच वह हथुआ अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से मौजूद अनुमंडलाधिकारी राकेश कुमार के सामने उन्होंने पर्चा भरा। इसके साथ ही जिले में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। विजयपुर में दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है। हथुआ प्रखंड में 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, इसको लेकर शनिवार से ही नामांकन जारी है। रूपनचक गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस में मुकेश पांडे जेल में हैं। सोमवार को कई पंचायतों के विभिन्न पदों के प्रत्याशी जुलूस निकालकर नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र संख्या 18 के जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी निर्वर्तमान अध्यक्ष मुकेश पांडे भी जेल से नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सेल्फी लेने वाले युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं मुकेश पांडे के चाचा व जदयू के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे अपने भतीजे की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है और इस बार भी भारी मतों से मुकेश पांडे विजयी होंगे। क्षेत्र में हमने जो विकास किया है उसे आगे भी जारी रखेंगे। आज क्षेत्र संख्या 18 के कर्मठ एवं युवा उम्मीदवार सुयोग्य श्री मुकेश पांडे जी का आज नामांकन हुआ, और उसमें पूरे जिले से जो भी उनको चाहने वाले लोग हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सारे लोगों ने आया। नॉमिनेशन में सब लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, और जो विकास की जो चर्चा क्षेत्र संख्या 18 में होती है, केवल हम लोग विकास की बात करेंगे और विकास पे चुनाव हम लोग जीतेंगे। जो अधूरा सपना रह गया है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 का, उसे हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, कोई कार्य नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, माननीय अध्यक्ष जी और मैं दोनों आदमी मिल करके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 का जो भी समस्या होगा, हम लोग उसे समाधान करने का काम करेंगे। और जनता ने पुनः उनको आशीर्वाद दिल से भरपूर रूप में देने जा रही है, और वे पूरे जिले में रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे।